सोलन में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में सोलन भाजपा कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। ये बात प्रदेश कार्यकारिणी के नवनियुक्त सदस्य भाजपा नेता राजेश कश्यप ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य पवन गुप्ता और कुमारी शीला भी मौजूद रही। राजेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी में सोलन को महत्व देने से सभी कार्यकर्ताओं में भारी जोश है और वे आगे भी आने वाले चुनावों के लिए कार्य करने में जुट चुके हैं। सोलन में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में सोलन भाजपा कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। ये बात प्रदेश कार्यकारिणी के नवनियुक्त सदस्य भाजपा नेता राजेश कश्यप ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य पवन गुप्ता और कुमारी शीला भी मौजूद थी। राजेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी में सोलन को महत्व देने से सभी कार्यकर्ताओं में भारी जोश है और वे अभी से आने वाले चुनावों के लिए कार्य करने में जुट चुके हैं। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि सोलन आरंभ से ही हिमाचल की राजनीति का केंद्र रहा है, जहां त्रिदेव सम्मेलन, पन्ना प्रमुख कार्यक्रम, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का आगमन भी हुआ है। वहीं अब सोलन में भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभिनंदन भी यही हुआ। यही कारण है कि सोलन में 7 कार्यकर्ताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है, जो सोलन के लिए एक गर्व का विषय है। उन्होंने सोलन भाजपा मंडल की ओर से शीर्ष के नेताओं को धन्यवाद किया और कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे और आने वाले चुनावों में भाजपा अधिक से अधिक मतों में जीत हासिल करे। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में काम करना आरम्भ कर दिया है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी ओर से और पूरे मंडल की ओर से अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे संगठन मंत्री पवन राणा जी और सोलन से हमारे उपाध्यक्ष अपॉइंट हुए श्री पुरुषोत्तम मेहरा जी, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सोलन मंडल से आज हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, उसमें यहाँ से 7 सदस्य हैं, जिसमें हमारे पुरुषोत्तम गुलेरिया जी और पूर्व सांसद श्री वीरेंद्र कश्यप जी, श्रीमती रश्मिधर जी और मैं स्वयं, तथा हमारे आमंत्रित सदस्य श्री पवन गुप्ता जी और कुमारी शीला जी और परिहार जी को लिया गया है। सोलन मंडल जो है वो संगठन की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा जो है कार्य कर रहा है। पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से यहाँ पे त्रिदेव सम्मेलन हुए और जिस तरह से यहाँ पे पन्ना प्रमुख सम्मेलन और माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली हुई, इलेक्शन रैली हुई, और अभी कुछ ही दिन पहले माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की रैली हुई, अभिनंदन हुआ, उसको देखते हुए प्रदेश ने जो है बहुत बड़ा एक सौगात हमें दी है कि इतने सारे सदस्य यहाँ से चुने गए हैं। मैं उनका पुनः जो है धन्यवाद करता हूँ और सोलन की जनता को और अपने नेतृत्व को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि हम सभी लोग संगठित होकर के जो है आगे जो है 2022 का जो इलेक्शन है उसकी तैयारियाँ जो है हम बूथ लेवल पर जो है शुरू कर चुके हैं और आने वाले इलेक्शन में जो है हम पूरी तरह से जो है खड़े उतरेंगे, हम ऐसा आश्वासन देना चाहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।